प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने का असर अब शादी विवाह में देखने को मिल रहा है। वैसे तो शादी विवाह में शगुन के तौर पर गिफ्ट और लिफाफे में कैश देना आम बात है, लेकिन बस्ती जिले में एक ऐसे शादी समारोह देखा गया जहां पर न्योता लेने के लिए QR कोड लगाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आप मनचाही रकम QR कोड को स्कैन कर दूल्हे और दुल्हन के खाते में सीधा भेज सकते हैं। न लिफाफे की झंझट, न कैश की चिंता। पहली बार शादी में न्योता लेने के लिए लगाए गए QR कोड से डिजिटल पेमेंट लेने का लोग सराहना भी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। करने का क्या एडवांटेज था अभी तक? क्या एडवांटेज ये है कि जैसे हम लोग बाहर पढ़ते थे, हम लोग के पास ज़्यादा कैश होते नहीं थे, जब भी UPI आया था तो हम लोग कैशलेस चलने लगे। कहीं पर भी कुछ भी ट्रांसफर करते वरना हमेशा कैश देखना पड़ता था। तो इसका भी वही कि अगर शादी में भी कोई जाएगा तो कोई पता चला उतना लेके आया नहीं है, भाई आप ट्रांसफर मार। क्या क्या लोड कम हुआ इससे? लोड क्या गिनना कम हुआ, गिनना नहीं पड़ेगा एक तरीके से। पेपर वर्क भी कम हुआ? पेपर वर्क UPI में आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपको लिखना है तो फिर आप लिखोगे। UPI से अगर आप पैसा ट्रांसफर करो तो पेपर वर्क नहीं आया। कन्वीनियंट है कि नहीं? बेशक क्यों नहीं कन्वीनियंट, कहीं ना कहीं मोदी जी के एक बहुत बड़ा संदेश है ये, डिजिटल बनो डिजिटल बनो। तो डिजिटल ही तो है ये एक तरीके से, डिजिटल है दिख रहा है। क्या नाम आपका? मोदी जी को वीडियो भेजा जाए। आपने भी डिजिटल पेमेंट किया, इसको लेकर के आपने क्या कहना है, क्यों ऐसा किया आपने? कैश नहीं था मेरे पास, मतलब ये कन्वीनियंट लगा कहीं ना कहीं। कन्वीनियंट डायरेक्ट अकाउंट में गया कहीं ना कहीं। डिजिटली आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है।